विराट कोहली की याद में बीत गया साल, आखिर कहां खो गया वो पुराना विराट। क्रिकेट सूत्रा को चाहिए 100 वाला कोहली, जो मैदान पर अनहोनी को कर देता था होनी। टीम इंडिया का वो रन मशीन जिसके मैदान पर आते ही विरोधी गेंदबाज थर थर कांपने लगते थे, जो अपने मजे के लिए मैदान पर शतक जड़ देता था, जिसने महज अपने 10 साल के करियर में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने की लिस्ट में तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है और वो दूसरे स्थान पर पहुंचने से महज एक सेंचुरी दूर है, लेकिन वो एक सेंचुरी है जो आने का नाम ही नहीं ले रही। 70-100 मारने वाले विराट कोहली के बारे में किसने सोचा था कि 57 पारियां बीत जाएंगी लेकिन विराट कोहली 2 सालों तक एक शतक नहीं मार पाएंगे। पूरी दुनिया से लड़ जाने वाले विराट कोहली के फैंस उनके सेंचुरी ना लगा पाने की वजह से काफी निराश चल रहे हैं और उनके लिए ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, और उनमें से हम भी एक हैं जो अपने कप्तान को शेरों की तरह बल्लेबाजी करते देखने के लिए तरस रहे हैं, और अब विराट की आलोचना सुनना हमसे सहा नहीं जा रहा। टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में इस जनरेशन के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के चेहरे से भले ही आप इस बात का अंदाजा ना लगा पाए कि वो काफी लंबे समय से सेंचुरी नहीं बना पाए हैं, लेकिन विराट कोहली भी अंदर ही अंदर इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें और टीम इंडिया को आने वाले समय में विदेशी दौरे और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं तो उन्हें अपने बल्ले को फिर से उसी रौद्र रूप में लाना होगा जिससे वो कभी विरोधियों को डराया करते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है जो 2 सालों से विराट कोहली एक शतक नहीं बना पाए हैं? आखिर अपने छोटे से करियर में ही 70-100 जड़ देने वाला ये महान खिलाड़ी 57 पारियों से शतक लगाने में नाकाम क्यों हो रहा है? इसका जवाब तो अभी खुद विराट कोहली के पास भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है या फिर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। विराट कोहली इस बीच ढेरों अर्धशतक लगा चुके हैं और कई बार ऐसा लगा कि वो शतक के करीब पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 57 रनों की बहुमूल्य पारी को भला कौन भूल सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या फिर एक अच्छी गेंद विराट कोहली को आउट कर देती है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज में ऐसा ही हुआ। दोस्तों 2021 में विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए अपने पहले मैच में 36 रनों की पारी खेली थी और आखिरी मैच में भी वो 36 रन ही बना पाए, यानी कि इस साल से विराट का 36 का आंकड़ा रहा है। और अब उम्मीद है कि 2022 से एक नए सफर पर निकल रही टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर विराट कोहली हमें अपनी पुरानी लय में दिखाई देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी इस बात का जिक्र किया कि विराट कोहली के लिए साउथ अफ्रीका काफी अच्छा रहा है और उन्हें भी उम्मीद है कि वो वहां अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन विराट के फैंस जो दुनिया में हर जगह किंग कोहली की जय जयकार करने पहुंच जाते हैं, वो एक बार फिर से उसी विराट कोहली को देखना चाहते हैं जो मैदान पर उतरते ही अपने बल्ले से आग लगा देता था, और हम भी उन्हीं में से एक हैं। और हम दुआ कर रहे हैं कि हमारे कप्तान जल्द ही अपने बल्ले से वो खिलाड़ी बन जाएं जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों की चारों तरफ पिटाई करता था और पलक झपकते ही शतक जड़ देता था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली अब नए साल में नए शतकवीर बनने में कामयाब होंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। क्रिकेट सूत्रा को आपने अगर अभी तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाइए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर खबर जानने के लिए बने रहिए क्रिकेट सूत्रा के साथ।